हेलो एंड वेलकम टू इवास। आप सभी एस्पायरेंट्स जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वॉइस का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग यदि इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए माय डियर, शुरुआत करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। और ये लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हम लोग इसके पहले के सेट्स में क्वेश्चन नंबर 80 तक देख चुके हैं। आज हमारी यात्रा 81 से प्रारंभ होगी। जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन जरूर से ज़रूर डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो इवास के नाम से है, उसे भी आप ज्वाइन कर लेंगे। इसमें समय समय पर आपको लिंक और PDF प्रोवाइड किए जाते हैं। आइए 81 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा जूम किया जाए और देखते हैं 81। चलिए, एकदम सब कुछ सही है, सारा कुछ सेट हो चुका है। अब आइए शुरुआत करते हैं। वी शुड नॉट इनकरेज इनडिसिप्लिन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुड मॉडल है और मॉडल का पैसिव बनाने के लिए बी का प्रयोग करते हैं, यानी कि शुड नॉट बी इनकरेज्ड होना चाहिए। शुड हैव रॉन्ग, शुड नॉट बी इनकरेज्ड, शुड नॉट बींग रॉन्ग, शुड नॉट बी इनकरेज्ड। अब देखिए, हमारे सामने दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं। इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड बाय अस, इस ऑप्शन में बायस लगा है। डी में कह रहा है इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों ऑप्शन लगभग सही दिख रहे हैं। इन्हीं ऐसे देखिए, हमने इसमें कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस को भी रखा है। इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेज्ड और बाय अस लिखा है, तो यहाँ पर इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पर बाय अस को रिमूव कर दिया गया। हालांकि ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, बट इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82। रॉबिन वुड ड्रा अ पिक्चर इन द कॉम्पिटिशन। आप देखें वुड ड्रा, और एक कंसेप्ट याद करिएगा कि मेन वर्ब की जो फॉर्म आए वही बी का फॉर्म लगा दो तो पैसिव बन जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में आप सभी जानते हैं कि हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखो, लिखा है वुड ड्रा, तो आप लिखोगे वुड बी ड्रॉन। ऑप्शंस आप पकड़िएगा, वुड हैव रॉन्ग, यहाँ पर ऐसे ऑप्शंस आपको कैच करना है। वुड हैव रॉन्ग, वुड हैव बीन रॉन्ग, वुड बी ड्रॉन ये हो सकता है, और वुड बी ड्रॉन ये भी हो सकता है। यानी कि सी ऑप्शन में कह रहा है कि इन द कॉम्पिटिशन रॉबिन, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है अ पिक्चर, तो डी में कह रहा है अ पिक्चर वुड बी ड्रॉन बाय रॉबिन इन द कॉम्पिटिशन। करेक्ट आंसर इज डी। यहाँ पर डी आंसर एकदम से सही है, डी इज़ द राइट आंसर। 83, हु गेव यू आइसक्रीम। आप सभी साथी बताएं, हु को बाय होम में चेंज कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है तो निश्चित तौर पर वाज या वर लगेगा। बाय होम वर यू गिवन आइसक्रीम, बाय होम वाज यू नहीं होगा, रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज बी, बाय होम वर यू गिवन आइसक्रीम। क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिस का आनंद तभी है जब आप साथ ही साथ, अगर आप इसको लाइव नहीं भी देख पाए हैं, बाद में देखते हैं, तो अपने बगल में एक कॉपी पेन रख लें और क्वेश्चन नंबर लिख के ऑप्शन लिखते जाएं और लास्ट में मैच करें कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आइए, आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स, आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स। तो आर के साथ बींग लगेगा क्योंकि रिवाइजिंग आया है मेन वर्ब में, तो आर योर लेसन्स नॉट बी नहीं होगा। आर योर लेसन्स नॉट बींग रिवाइज्ड बाय यू, आर योर लेसन ये भी नहीं होगा, आर यू ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज बी, आर योर लेसन्स नॉट बींग रिवाइज्ड बाय यू। देखो ING यहाँ है तो बींग ये भी ING हो गया। यही इसका कॉन्सेप्ट ही है कि जो मेन वर्ब आए वही बी का फॉर्म लगा दो। जैसे यहाँ मेन वर्ब में ING तो बी में ING लग जाएगा। दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स, तो पक्की बात है कि हैव बीन वाला ऑप्शन होगा,
तो देखो विल बी, हैड बीन, हैव बीन, शैल बी। करेक्ट आंसर इज सी, ऑल द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट। नेक्स्ट, आई शैल राइट अ लेटर, तो विल बी वाला ऑप्शन होगा, इज राइटिंग, विल बी, हैव बीन, हैज बीन। करेक्ट आंसर बी, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। नेक्स्ट, केवल वर्ब पकड़िए और सही करिए। देखें, ध्यान से देखें और सभी साथी बहुत ही अच्छे से देखेंगे। विल मार्टिन बी हेल्प्ड बाय अस, यहाँ पर पैसिव से एक्टिव बनाना है, तो निश्चित तौर पर हम शैल से शुरुआत करेंगे, शैल वी हेल्प मार्टिन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब यदि हम इसे पैसिव में चेंज करें तो विल मार्टिन बी हेल्प्ड बाय अस हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, वॉइस चेंज का मतलब है एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। आर अलमाइटी विल ब्लेस वाइज मैन, तो विल बी ब्लेस्ड हो जाएगा, वाइज मैन विल बी ब्लेस्ड बाय आर अलमाइटी। देखो यहाँ विल बी लिखा है, शुड, वुड, ये सब के सब रॉन्ग हैं, ए इज द राइट आंसर। तेज़ी से रिप्लाई करें और सभी साथी रिप्लाई करेंगे। 89 में, द आर्मी चीफ पनिश्ड हिज सबऑर्डिनेट, तो वाज पनिश्ड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट मतलब वाज वर लगेगा, सबऑर्डिनेट सिंगुलर है तो वाज पनिश्ड होगा। इज पनिश्ड, इज बीइंग, वाज पनिश्ड, वाज बीइंग। करेक्ट आंसर इज सी। पूरा क्वेश्चन ऑप्शन भी नहीं पढ़ना, हिज सबऑर्डिनेट वाज पनिश्ड बाय द आर्मी चीफ। नेक्स्ट, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, सभी लोग रिप्लाई करें, वंस प्रोमिसेस, यहाँ मस्ट है तो मस्ट बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी, वंस प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट। 91, ही मेड अस वर्क, बहुत ध्यान से देखिएगा, ही मेड अस वर्क, वी वर मेड टू वर्क बाय हिम, वी वुड वर्क बाय हिम। अब देखिए यहाँ पर अगर हम वी को सब्जेक्ट बनाएं तो वी वर मेड टू वर्क बाय हिम, ए ऑप्शन एकदम सही है। इसके पीछे कंसेप्ट समझें, अस को आपने सब्जेक्ट बनाया पास्ट इंडेफिनिट तो वर है, मेड हो गया। अब ये जो आपका बेयर इन्फिनेटिव है, जब पैसिव वॉइस बनता है तो इसमें टू लग जाता है, तो टू वर्क हो गया। नेक्स्ट, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, तो आई हैव रिटन होगा, आई हैव रिटन अ लेटर, क्योंकि पैसिव से एक्टिव बनाना है, डी इज द राइट आंसर। 93, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस पिक्चर, तो कैन नॉट बी ड्रॉन का ऑप्शन देखो, कैन नॉट बी ड्रॉन, कैन नॉट बी ड्रॉन, कुड नॉट नहीं होगा, कुड नॉट नहीं होगा। दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी, दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय आई, तो आई नहीं होगा, मी होगा, ए इज द राइट आंसर। 94 में कह रहा है, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, तो अगर हम कहें कि लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी, तो यहाँ पर नियरेस्ट ऑप्शन आपका बनेगा बी, लेट द पुलिस, क्योंकि नॉट लिखना मस्ट है, हालांकि ये नॉट यहाँ पर पुलिस के बाद होना चाहिए था, और इसके अलावा किसी भी ऑप्शन पर हम नहीं जा सकते, पुलिस नीड टू भी नहीं होगा, डू नॉट भी नहीं होगा। नेक्स्ट, 95, दे हैव स्पॉटेड मी इन द क्राउड, तो निश्चित तौर पर हैव बीन वाला ऑप्शन पकड़िए, आई एम, विल हैव, वुड हैव बीन, डी इज द राइट आंसर। आई हैव बीन स्पॉटेड बाय देम इन द क्राउड। 96, रीता रेस्क्यूड 3 पपीज, तो वर रेस्क्यूड का ऑप्शन होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है, आर नहीं होगा, वर रेस्क्यूड विल नहीं होगा, आर नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर। 3 पपीज वर रेस्क्यूड बाय रीता। तेज़ी से रिप्लाई करें। 97, विल ही हैव रिटन अ लेटर, मुझे बताओ कि यह एक्टिव है कि पैसिव, जल्दी से रिप्लाई करिए, कमेंट करिए। 97, विल ही हैव, तो ध्यान रखना यह पैसिव नहीं एक्टिव वॉइस है, हैव बीन लग जाएगा, और विल अ लेटर हैव बीन वाला ऑप्शन सही होगा, कहीं दिखे तो आप बताइए, विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाय हिम, डी इज द राइट आंसर। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्वीट्स, आई
was advised by the doctor to give up sweets. Correct answer C. यहाँ पर C होगा, D कदापि नहीं. 99. Leo Tolstoy wrote War and Peace. तो War and Peace was written by Leo Tolstoy. Correct answer A. Was written. 100. Did everybody miss the first bus? जब did है तो निश्चित तौर पर पैसे में was आएगा. Starting में was एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आप देखते जाओ फटाफट और टिक करो. Correct answer B. Was the first bus missed by everybody. Next. We will not allow them to run away. They will not be allowed to run away by us. यहाँ पर आप सभी साथी रिप्लाई करें. Will not allow का हो जाएगा will not be allowed और निश्चित तौर पर ऑप्शन बनेगा A. My dear, आप लोगों को ये प्रैक्टिस कैसी लगती है ज़रूर बताएं. और यदि आप लोगों के लिए ये लैंग्वेज प्रैक्टिस बेनिफिशियल है तो एक कमेंट करिए, और यदि आपके कमेंट्स 50+ हो जाएंगे तो इस प्रैक्टिस को हम रेगुलर कर देंगे. टेक केयर, थैंक यू.